मुंबई में एक फोटो प्रदर्शनी के बाद शिव सैनिकों ने कहा जबरदस्त हंगामा, पाकिस्तानी फोटोग्राफर के हिस्सा लेने का किया विरोध। एनएसजी में भारत की सदस्यता का विरोध करने पर चीन के खिलाफ दिल्ली में स्वदेशी जागरण मंच का प्रदर्शन, चीनी दूतावास के बाहर की नारेबाजी। जम्मू कश्मीर में ताजा हालात को लेकर पैंथर्स पार्टी का जम्मू में प्रदर्शन, महबूबा सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज में सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज छात्रों का प्रदर्शन, प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के मालदा में 13 साल के बच्चे का शव मिलने पर बवाल, गुस्साए लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम, तनाव के बाद भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में पानी की कमी को लेकर लोगों का हंगामा, बाल्टी लेकर सड़कों पर उतरी महिलाएं, स्थानीय विधायक के दफ्तर पर किया घेराव। चेन्नई में महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, जयललिता सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हत्या के विरोध में कांग्रेस की महिला विंग भी सड़कों पर उतरी, राज्य सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप, वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद मगरमच्छ को काबू में किया। असम में भारी बारिश से जानवरों पर भी आफत, काजीरंगा पार्क में पानी का जलस्तर बढ़ने से हाईवे पर भागता हुआ दिखाई दिया गैंडा। बिजनौर में लड़की भगाकर ले जाने पर लड़के के पिता को गोलियों से भूना गया, बीच चौराहे गोली मारकर हत्या। आगरा में एक सर्जिकल फैक्ट्री में आग से अफरा तफरी, कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू। गाजियाबाद में एक साध्वी को फोन पर मिली धमकी, एक शख्स ने तेजाब फेंकने की बात कही। बुलंदशहर में अदालत परिसर से फरार आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, दारोगा ने अदालत परिसर में ही जमकर पिटाई। बस्ती में आसमान से गिरी बिजली ने 4 लोगों की जान ली, घरों में पसरा मातम। सोनभद्र में जादू टोने के शक में एक युवक ने 3 महिलाओं पर धारदार हथियार से किया हमला, तीनों अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में पत्र के जरिए सीजेएम अदालत को मिली बम छोड़ाने की धमकी, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। पंपोर में आतंकवादी हमले में घायल जवान सुमन शंकर शर्मा के लिए उनके घर फिरोजाबाद में मांगी जा रही है दुआ, श्रीनगर के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है इलाज। गाजीपुर में सड़क निर्माण में ठेकेदार का खराब काम देखकर भड़क गए लोग, जबरन रुकवा दिया काम। आगरा में ब्लड कैंसर से ग्रसित 11 साल के मासूम ने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी, इलाज में मांगी मदद। लखीमपुर खीरी में 10वीं के छात्र ने अपने घर में फांसी से लटक कर दे दी जान, घर में नहीं मिला कोई भी सुसाइड नोट। बाराबंकी में भूमि विवाद को लेकर 2 गुट में हिंसक झड़प, हमले में बुरी तरह से घायल चाचा भतीजा अस्पताल में भर्ती। कानपुर में केमिकल फैक्ट्री के मालिक को बदमाशों ने मारी गोली, बुरी तरह से घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। फरुखाबाद में खनन माफियाओं पर नकेल कसने का प्रशासन नाकाम, खुलेआम जारी है अवैध खनन का धंधा। आजमगढ़ के एक युवक ने डीएम दफ्तर में रोमानिया की लड़की के साथ रचाई शादी, लंदन में पढ़ाई के दौरान दोनों में हो गया था प्यार। कुशीनगर में रुई से भरे ट्रक में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक ट्रक जलकर हुआ खाक। मथुरा में बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सेना की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की रिहर्सल। बुरहानपुर में ट्रेन में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से वसूली करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार, कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद। करीब 2 महीने बाद यूपी एसटीएफ के हत्थे चढ़ा एनआईए अफसर तंजील अहमद, हत्या का मास्टरमाइंड मुनीर ग्रेटर नोएडा की बिस्रक से पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में आतंकवादी हमले के हुए वाराणसी में भी एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, हर आने जाने वाले की ली जा रही है तलाशी। हाजीपुर में बेकाबू डंपर ने स्कूली बच्चे को कुचला, गुस्साए लोगों ने डंपर में की तोड़फोड़। बेगूसराय में एक घर में पति पत्नी और 3 साल के बच्चे का खून से लथपथ मिला शव, ट्रिपल मर्डर से इलाके में हड़कंप। सहरसा में 10 दिन पहले अगवा हुई 18 साल की लड़की का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने पर दिया धरना।
बिहार में कानून व्यवस्था की खुली पोल, सहरसा में डीआईजी से मांगी गई 20 लाख रुपए की रंगदारी, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली रकम से भी मांगा आधा हिस्सा, नहीं देने पर परिवार समेत सभी को बम छोड़ाने की दी गई धमकी। छबरा में झाड़ियों में मिला नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों की बड़ी नजर, बाद में बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बच्चा सुरक्षित। परीक्षा तिथि नहीं बढ़ाए जाने से नाराज बीपीएससी के छात्रों का पटना में हंगामा, बीपीएससी दफ्तर पर एडमिट कार्ड जलाकर जताया अपना रोष। जमशेदपुर के पास तक्षशिला घाटशिला में तीसरी क्लास के बच्चे की पत्थर से कुचलकर हत्या, स्कूल की छत पर मिला बच्चे का शव। जमशेदपुर के बिस्टुपुर में एक नामी रेस्टोरेंट की छत गिरने से तीन लोग घायल, सभी टाटा अस्पताल में भर्ती। खूंटी में बीती रात दो गुटों में फायरिंग में छह युवकों की मौत, पुलिस को नक्सलियों पर है शक। देवघर में पेट्रोल डीजल चोरी करने वाला शातिर बदमाश गिरफ्तार, बिहार पुलिस को भी थी इसकी तलाश। जोधपुर में शराब के नशे में पुलिस वालों की गुंडागर्दी, लिफ्ट देने के बाद मनचाहे ठिकाने पर नहीं पहुंचाने पर कार में जा रहे दो युवकों की जमकर पिटाई। बाड़मेर में एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली। गंगापुर सिटी में नाबालिग से रेप के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर पर दिया धरना। जयपुर में सूदखोरों से परेशान बिजली विभाग के मीटर रीडर ने मेट्रो के सामने कूद कर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा प्रधानमंत्री जी मेरे अच्छे दिन तो नहीं आए लेकिन सूदखोरों के अच्छे दिन जरूर आ गए। यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद आसाराम को मेडिकल चेकअप के लिए महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल के अंदर और बाहर कड़ी सुरक्षा। राजस्थान के बाली में पानी के तेज बहाव में फंसा ट्रैक्टर, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को बाहर निकाला। धौलपुर में वाहन चेकिंग के दौरान कागजात मांगने पर भड़का वकील, थाने ले जाने पर पुलिस से खफा साथी वकीलों ने की हड़ताल। अलवर में मोर का शिकार करने आए शिकारी की पेड़ से बांधकर पिटाई, बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल के बाहर कैंटीन में आग से अफरा तफरी, हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। सवाई माधोपुर में चारागाह की भूमि पर अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने छेड़ी मुहिम, डीएम दफ्तर पर किया प्रदर्शन। सतना में घर में घुसकर रिटायर्ड फौजी की लाठी और डंडों से पीट पीट कर हत्या, एक रिश्तेदार समेत तीन लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबलपुर रेलवे स्टेशन से 2.5 साल की बच्ची को लेकर फरार हुआ चोर, सीसीटीवी में कैद वारदात। मध्य प्रदेश के मंदसौर में घर में शौचालय के बाद भी खुले में शौच करने वालों पर होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने कहा वारंट जारी कर जेल भेजने पर कर रहे हैं विचार। झांसी में एक महिला की शिकायत के बाद पकड़े जाने के डर से पुलिस को देखकर बेहोश होकर गिर पड़ा युवक, ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। शिमला में क्लर्क के लिए आयोजित परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दे रहे 10 लोग गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में 9 हरियाणा के रहने वाले। कांकेर में 20 रुपए के लिए पिता ने ली अपने बेटे की जान, 11वीं के छात्र ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिता की जेब से निकाले थे पैसे, गुस्साए पिता ने लाठी से बेटे को मार डाला। राजनंद गांव के पास नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने दो नक्सलियों को मार गिराने का किया दावा। बीजापुर में बीजेपी समर्थित सरपंच की नक्सलियों ने गोली मारकर हत्या की, विरोध में 17 सरपंचों ने दिया इस्तीफा। सुकमा में एनकाउंटर में मारी गई युवती के कंकाल की हो रही है जांच, पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का है आरोप। कान से भारी भरकम बस खींचने का हैरत अंगेज कारनामा कर दिखाने वाले कोरबा के लक्ष्मी नारायण पटेल ने किया आत्महत्या का, आर्थिक तंगी की वजह से लक्ष्मी नारायण ने दे दी अपनी जान। पंजाब के संगरूर में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला, प्रेम विवाह करने पर पूर्व फौजी ने बेटी को मौत के घाट उतारा, आरोपी पिता गिरफ्तार। आतंकवादी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद पठानकोट में पुलिस सतर्क, वाहनों की ली जा रही है तलाशी। दिल्ली के जगतपुरी में निजी स्कूल में पढ़ने वाली 15 साल की छात्रा से बलात्कार, स्कूल के गार्ड और उसके साथी पर लगा रेप का आरोप।
उत्तर प्रदेश के मऊ में वाहनों से अवैध वसूली करते पुलिसकर्मी कैमरे में हुए कैद, पकड़े जाने पर कहा कौन पैसा नहीं लेता। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पैसे के लेन देन को लेकर एक टीचर की हत्या, बदमाशों ने घर से बुलाकर मार दी गोली। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बाइक पर रेसिंग लगाते वक्त दर्दनाक हादसा, वैन से टकराई बाइक, 5 युवकों की मौत। सलेम में फेसबुक पर अपनी अश्लील तस्वीर देख कॉलेज छात्रा ने किया आत्महत्या, पुलिस के खिलाफ परिजनों में गुस्सा। कोयम्बटूर में फीस नहीं भरने पर दो छात्रों को सजा, स्कूल ने दोनों को जबरन निकाल दिया था स्कूल से बाहर। बेंगलुरु में नाइजीरियाई मूल की महिला ने शराब के नशे में मोबाइल दुकानदार पर किया हमला, मेडिकल चेकअप के दौरान अस्पताल से भागने की कोशिश की। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस की महिला विंग का प्रदर्शन, तलाचूरी और कन्नूर में दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध। बेंगलुरु में जादू टोने के शक में बेटे ने पिता को मौत के घाट उतारा, नौकरी नहीं मिलने पर पिता को ठहरा रहा था कसूरवार। अलग हाईकोर्ट की मांग को लेकर तेलंगाना के वकीलों का प्रदर्शन जारी, हैदराबाद में जमकर के नारेबाजी। तमिलनाडु के ईरोड में 5 टन जहरीले आम बरामद, फूड विभाग की तरफ से की गई छापेमारी। मुंबई में लोकल की छत पर चढ़कर एक युवक का स्टंट, किसी ने मोबाइल से बना लिया वीडियो। गुजरात के जूनागढ़ में मूंगफली के खेत में मगरमच्छ घुसने से अड़कंप, करीब 1.5 घंटे बाद वन विभाग ने किया काबू। उत्तर प्रदेश के बरेली में बदमाशों का आतंक, रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने मोटर मैकेनिक को मारी गोली, एक शख्स अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों के पास से 6 लग्जरी कारों के साथ 9 बाइक्स बरामद, गिरोह का सरगना पेशे से वकील। सोनीपत में नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा, डिवाइडर से टकराई बेकाबू कार, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। फरीदाबाद में कंपनी के सेल्समैन से 11 लाख रुपए की लूट के मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में एक शख्स ने 4 साल की दिव्यांग बेटी की हत्या की, पड़ोसी पर लगा आरोप। हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वाणी का वीडियो आया सामने, दक्षिण कश्मीर में अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलते हुए दिख रहा है यह आतंकवादी। सूरत में कपड़ा कारोबारी के घर लुटेरों का कोहराम, कारोबारी की हत्या कर लाखों के गहने कैश लेकर हुए फरार। दिल्ली में मानसून आने से पहले डेंगू का डंक, 8 नए मामले आए सामने, अब तक 28 मामले। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में मंदिर से मुकुट और हार चुराने वाला शातिर चोर गिरफ्तार। दिल्ली के मॉरिस नगर में कूलर में करंट से पूर्वोत्तर की छात्रा की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के डोंग में तेंदुए का आतंक, 2 ग्रामीणों पर किया हमला, ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को कब्जे में किया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में प्रेमिका के घर फायरिंग कर भाग रहे प्रेमी की ग्रामीणों ने जमकर की पिटाई। राजकोट के पुलिस वालों ने ऑटो चालक की बीच सड़क में की पिटाई, एक वाहन से टकरा गया था ऑटो। थाने में कैश डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के दफ्तर से 12 करोड़ की लूट, अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने लूटा। महाराष्ट्र के बुलढाणा में बैंक मैनेजर से परेशान ग्रामीणों का बैंक के गेट के बाहर प्रदर्शन, एक किसान की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार मैनेजर को ठहराया। दिल्ली में जेल में बंद 2 मुजरिमों ने रची हत्या की साजिश, सुपारी देकर करवाया विरोधी का मर्डर। संगम नगरी इलाहाबाद में राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में धूमधाम से मनाया गया ऐतिहासिक मौड़ मेला। अमरोहा में रोटरी क्लब की अनोखी पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए लगाए पोस्टर। गिर के गायों को लेकर जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, कहा गोमूत्र में मिले सोने के कण। दिल्ली के शाहदरा में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, सड़क पर सरेआम गुंडागर्दी। कैराना गए संतों का हरिद्वार में संतों ने किया विरोध, भूमानंद घाट पर गंगा जल लेकर हिंदू परिवारों की रक्षा करने के लिए प्रतिज्ञा। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में गैंग वॉर में हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक बुरी तरह से घायल। दिल्ली में आज सुबह बारिश से मौसम सुहाना, लेकिन बारिश की वजह से कई जगहों पर लगा भारी जाम। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में भारी बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत, लेकिन कई इलाकों में भारी जल जमाव।